तो हेलो गाइस, पीयूष की तरफ से आप सभी को प्यारी सी नन्ही सी गुड मॉर्निंग। आज ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। पहले ब्लॉग को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो सोचता हूँ कि आज दूसरा ब्लॉग बनाता हूँ। तो आज सोच रहा हूँ कि भले माता मंदिर की तरफ चलते हैं। वहाँ आपको नई नई चीज़ों से रूबरू कराएंगे, नए नए व्यू दिखाएंगे। तो सुबह के बज गए हैं, जैसे कि सुबह के 11 बज गए हैं। तो अब हम चलते हैं भले माता मंदिर की तरफ, नहाएंगे धोएंगे, खाना खुना खा के निकल जाएंगे। तो जो ऐसे ही आप वीडियो को प्यार देते रहना। अब हम आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाते हैं। घर के काम तो सारे खत्म कर लिए हैं, तो बाहर की तरफ आपको। तो हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, देखते हैं सुबह का क्या माहौल है। वो देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी प्यारी स्नोफॉल हुई है ऊपर पहाड़ों पे, बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। यहाँ की फ्रेश हवा। अब गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये हमारा है गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ से सामने दिखाई देता है। तो गाइज हमने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। घर का सारा काम ख़त्म करते करते हम नहा भी लिए हैं, सब कुछ कर लिया है। और जुड़े रहें आप हमारे साथ। और आज हम आपको बलि माता मंदिर के दर्शन कराएंगे, नई नई जगह दिखाएंगे, और जो भी कुछ रास्ते में कुछ नए होगा वो दिखाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। फ्रेंड्स हम जैसे कि पहुंच चुके हैं खैरी वाले रास्ते से, जा रहे हैं बलि माता मंदिर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा या बलि माता। मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर। जब भी आप खैरी वाले रास्ते से बलि माता मंदिर की तरफ जाओगे, तो ये लाल पुल से 20 मीटर आगे ये झरना है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। यहाँ से बिल्कुल फ्रेश फ्रेश वाटर पहाड़ों से आता है, और यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है। यहाँ से तकरीबन बलि माता मंदिर जो है वो 9 या 10 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, व्यू बहुत ही अच्छा है। तो अब हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप इस साइड से आओगे, तो यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ही नुकीली हैं। हेलमेट का आप विशेष तरफ से ध्यान रखें, दुर्घटना से बचें। और यहाँ की पुलिस बहुत ही कोऑपरेटिव है, तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है और हेलमेट है उसका विशेष कर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं, आप हमारे साथ वीडियो पे बने। जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ की पुलिस बहुत ही कोऑपरेटिव है, अपने हेलमेट पूरे कागज पत्र रखी है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से है बलि माता मंदिर 5 किलोमीटर दूर है। और जब भी आप कहीं साच पास, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं वो साच पास जाते हैं, तो बलि माता मंदिर जो है वो बीच रास्ते में आता है। तो आप एक बार ज़रूर वहाँ पर जाओ, वहाँ पे सबसे पहले माता के दर्शन करो, फिर उसके बाद साच पास के लिए निकलो। बहुत ही यहाँ से अच्छा व्यू दिखाई देता है, और यहाँ से आप डैम का व्यू देख सकते हो। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और ये छोटा सा और सुंदर सा गांव भी है।
यहाँ पे आओगे तो गाड़ी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। यहाँ पे कुछ गाड़ी के चार्ज होते हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। ये है पार्किंग, बहुत ही बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे का व्यू देख सकते हो गाइस। बलि माता मंदिर। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा। इस मंदिर का निर्माण जो है वो राजा प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इसका इतिहास कुछ बहुत ही रोचक है। जब राजा प्रताप सिंह के सपने में देवता आए थे तो वह मंदिर में वर्तमान स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर भरन नामक स्थान पर छिपे हुए थे। तो देवता ने राजा से वहाँ से लाने के लिए एक उपयुक्त मंदिर बनाने के लिए कहा। जब राजा अपने अधिकारियों के साथ उस छवि की खोज कर ली गई तो राजा और उसके टीम बहुत ही खुश हुई। उन्होंने चंबा शहर में ले जाने के लिए बात कही और चंबा शहर में मंदिर बनाने का फैसला लिया। किंतु जब वह बलि नामक स्थान पर विश्राम के लिए रुके तो उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की तो वाहक देवता की पालकी को नहीं उठा सके थे और उन्हें चंबा नहीं ले जा सके थे। यह एक बहुत ही अनोखी घटना थी। तो राजा प्रताप सिंह द्वारा ये जो मंदिर है इसका निर्माण यहीं बलि नामक स्थान पे करवाया था। अब मैं आपको बहुत ही एक रोचक बात बताऊंगा। माना जाता है कि जब माँ प्रसन्न होती है तो प्रतिमा से पसीना निकलता है। पसीना निकलने का ये अर्थ होता है कि माँ से मांगी हुई हर एक मुराद पूरी होती है। और यहाँ का मंदिर जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित है। यहाँ की वास्तुकला देख कर हर कोई हैरान हो जाता है। ये यहाँ जो मूर्ति है वो काले काले पत्थर की बनी हुई है और ये खुद की प्रकट हुई है। माता के बाएं हाथ में खप्पर और दाएं हाथ में त्रिशूल है। जय माँ भद्रकाली। माँ भद्रकाली के दर्शन करके नीचे आओगे तो ये छोटा सा गांव है, बहुत ही प्यारा। आप यहाँ से ये व्यू देख सकते हो गांव के यहाँ। तो फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है, माँ भद्रकाली बलि वाली माता से आशीर्वाद हमने ले लिया है। अब हमने घर की तरफ निकलना है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली बलि वाली माता लिख के माँ भद्रकाली का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।